हेलो स्टूडेंट, अपने बारक स्टडी सीखी है पर स्वर साथ व्यंजन ने केवी रीते आवी रही है ये सीखे बराबर ने। तो सबको अच्छा लगता है ये सीखना? हाँ, तो सीखना तो पड़ेगा क्योंकि उससे ही हमारे छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंस की शुरुआत होती है ना। तो ये तो बेसिक है, वो सीखना ही पड़ेगा हमें। तो आज हम आई सीखेंगे। तो जब आप फर्स्ट में थे तो ये हम सीखते थे तो क्या बोलते थे, ऐसे आई ऐरावत नो आई, वो ऐरावत हाथी होता है, वो किसका होता है? हाँ, इंद्रदेव का है ना। वो मैंने बताया था, याद है किसी को कि भूल गए सब? हाँ, ये छुट्टी मिल गई कोरोना की वजह से तो सब भूल गए है ना, पर याद रखना है उसको है ना हमेशा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा है लिखेंगे अच्छे नए नए वर्ड्स तभी आपको आएंगे है ना। तो आज हम आई का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। जैसे क स्वर विना स्वर विना न हो तो आई, क प्लस आई तो कई थाय बराबर, ख प्लस आई तो खई थाय, ग प्लस आई तो गई थाय। तो ऐसे ही हम पूरे ऐसे हमारा जो कक्का है उसको बनाएंगे है ना। तो चलो कनी ऊपर आटा मिलते हैं बे मात्र मुखी सुहा, तो शु बोला से कई। अब ये दो मात्रा है वो इसका सिंबल है, ये नहीं आएगा ऊपर वाला आएगा तो कई बन जाएगा। जैसे मुझे कैलाश नाम लिखना है से कैलाश, हाँ कैलाश पर्वत है ना, तो वो लिखना है तो उसके ऊपर ऐसे मात्रा आएगा, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। ये कहाँ चला गया? क के ऊपर चला गया, तो हम ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो कैसे उसका स्वर का कैसे इस्तेमाल करके नए वर्ड्स बनते हैं तो वो सीखेंगे। तो मैंने ये दो मात्रा यहाँ लगा दी, मीन्स हमारा कई बन गया। देखो हम जब भी बोलते हैं तो कई पीछे अ की आवाज आती है, ऐ की आवाज आती है। ओके, फिर ऐसे उसके ऊपर लगा देंगे ख के ऊपर तो खई, ग के ऊपर लगा देंगे तो गई, घ के ऊपर तो गई, च के ऊपर चई, छ के ऊपर छई, ज के ऊपर जई और ज के ऊपर जई, ट के ऊपर टई। दो मात्रा ऐसे लगाते जाएंगे और हमारा एक और अल्फाबेट बन जाएगा टई, ठ के ऊपर ठई, ड के ऊपर डई, ढ के ऊपर ढई, अण के ऊपर नई, त के ऊपर तई। हाँ, तैली पदार्थ मीन्स ऑयल वाला, तैली ऐसा लिखना है, तैली पदार्थ ऐसा लिखना है तो ये तो हमारा आ गया। ओके, थ के ऊपर थई, द के ऊपर दई, ध के ऊपर दो मात्रा से लगा देंगे तो धई, न के ऊपर नहीं, प के ऊपर पई, फ के ऊपर फई। ओके, बुआ होती है ना उसको फई बोलते हैं गुजराती में, ऐसे तो फोई बोलते हैं पर फई भी बोलते हैं, तो फई ऐसा लिखना है तो उसके ऊपर दो मात्रा आ जाएगी। बई, भ के ऊपर भई, म के ऊपर मई, य के ऊपर यई, र के ऊपर रई, ल के ऊपर लई, व के ऊपर वई, श के ऊपर शई, ये स है उसके ऊपर भी शई, ये स है उसके ऊपर सई, ह के ऊपर हई और अड़ के ऊपर रई। हो गया, हमने वर्ग में ऐसा दिया ना, तो किस तरह से बना, ऐसे हमने जैसे व्यंजन लिखे उसके साथ ये स्वर को मिलाया और हमारे ऐसे नए अल्फाबेट बन गए, और इस अल्फाबेट को मिला के हम नए नए वर्ड सीख सकते हैं है ना। ऐसे तो इजी है बच्चों, हाँ तो आप ऐसे करना। अब उसका नेक्स्ट कैसे वर्ड्स बनते हैं, कौन कौन से वर्ड्स है नए नए, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये जो करवाया है वो लंबी कीजिएगा और लिख भी दीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।